उत्तराखंड में कल हरीश रावत को बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे एक दिन पहले हरीश रावत को राहत की खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बागी विधायकों को दोहरा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब ये विधायक निलंबित ही रहेंगे और शक्ति परीक्षण में वोट नहीं दे सकेंगे। ऐसे में उत्तराखंड में सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में मंगलवार का दिन काफी अहम होने वाला है। सूबे के पूर्व सीएम हरीश रावत को बहुमत साबित करना है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही दिल्ली से हरीश रावत के लिए अच्छी खबर आई है। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बागी विधायकों को बड़ा झटका देते हुए उनसे वोटिंग का अधिकार छीन लिया है। 9 बागी विधायकों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को कायम रखा। तो साफ है कि बागी विधायकों की दावेदारी कटने के बाद अब कुल सीटें 61 और बहुमत का आंकड़ा 31 रह गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल कांग्रेस कैंप में 27 सीटें हैं, बीजेपी विधायकों की संख्या 28 है, बीएसपी के पास 2 विधायक हैं और निर्दलीय विधायकों की संख्या 4 है। बागी विधायकों की छुट्टी के बाद अब सत्ता की गेंद निर्दलीय विधायकों के पाले में आ गई है। बहुमत परीक्षण में अभी भी काफी वक्त बचा है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दल बाकी 6 विधायकों पर डोरे डालने में जुटे हैं। खबर है कि बीएसपी और निर्दलीय विधायक कांग्रेस विधायकों से काफी करीब हैं। ऐसे में कांग्रेस सीधे सीधे सरकार बनाती नजर आ रही है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो समीकरण कुछ ऐसा रहेगा, कांग्रेस 27, बीएसपी 2 और निर्दलीय 4, जो 35 सीटें लेते हैं। लेकिन राजनीति में रातों रात क्या हो जाए कोई नहीं जानता, यहाँ बाजी पलट भी सकती है। सूबे के सियासी समीकरण बदल कर ये भी हो सकते हैं, बीजेपी 27, यूकेडी 1 और निर्दलीय 3, यानी कि 31 सीटें बीजेपी के खेमे में जा सकती है, जो कि बहुमत साबित करने के लिए काफी है। वहीं अगर बहुमत परीक्षण के दौरान बीएसपी और निर्दलीय विधायक मौजूद नहीं रहते तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेंगी। ऐसे में उत्तराखंड में फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो उत्तराखंड में कल क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। क्या हरीश रावत एक बार फिर सूबे में सरकार बनाने में कामयाब हो पाते हैं, या फिर सत्ता की चाबी बीजेपी की जेब में जाती है, इसका फैसला कल सबके सामने होगा। देखते रहिए जीबी लाइव।